This is an ABP Life podcast. साल 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखेगा मंदी का असर, ऐसा ब्रिटिश रिसर्च एजेंसी का दावा है। साल 2022 के आखिर में यह भी कहा जा रहा था कि साल 2023 तो रिसेशन के नाम रहेगा। चीन में बढ़ता कोरोना, जापान में बढ़ता कोरोना, धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ता कोरोना, आखिर इसका असर क्या पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर, जानेंगे आज FII में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ जाने माने सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो लेना चाहूंगी वो यही कि अब नया साल शुरू हो चुका है और इकोनॉमी की बात, हमारे भारत की इकोनॉमी की बात हम इस नए साल में करेंगे। कोविड के बाद 2022 में इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने का साल था, और क्या अब हम 2023 में ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल इकोनॉमी को पुश मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इस साल इकोनॉमी को पुश मिलेगा। इसके कई कारण हैं। पहले तो हमारी डिमांड और कंजम्पशन, जो इंडिया की स्ट्रेंथ मानी जाती है, वो रिवाइव हो चुकी है। दूसरा, IT सेक्टर और इंटरनेट की जो अब्सॉर्प्शन है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं बहुत फायदा दिखा रही है। हम सब जानते हैं IT हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान से। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स, क्योंकि हिंदुस्तान की ज्यादातर पॉपुलेशन यंग है, वो भी हमें हेल्प कर रही है। तो 2023 हिंदुस्तान का साल होगा, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का साल होगा। मेरा तो इतना मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का, कि 2023 में हिंदुस्तान की GDP ग्रोथ बाकी दुनिया के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। बाकी दुनिया की एक्सपेक्टेशन है 2.5% के आसपास की GDP ग्रोथ, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है 6.5 से 7% की, 7% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। अरे वाह जी जी। तो अभी ग्लोबली हम जिस रिसेशन की बातें सुन रहे हैं, हम 2022 के एंड से ही देख भी रहे थे, बहुत सारे लेऑफ शुरू हो गए थे, कुछ लोग उसे IT रिसेशन की कैटेगरी में देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ उस मंदी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ग्लोबली रिसेशन का माहौल है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। पहले 2.5 साल कोरोना, फिर 1 साल रशिया यूक्रेन वॉर, और अब कोरोना चाइना में दोबारा सर उठा रहा है। बिल्कुल। तो ग्लोबली रिसेशन का माहौल है, और ग्लोबली GDP ग्रोथ मात्र 2 से 2.5% पूरे वर्ल्ड की एक्सपेक्टेड है। इसमें US जैसी इकोनॉमी से मात्र 1% GDP ग्रोथ की उम्मीद है, only 1%, जबकि वहीं ब्रिटेन, UK यानी कि, और जर्मनी जैसी इकोनॉमी से -0.6%, जी हाँ, -0.6% नेगेटिव GDP ग्रोथ की उम्मीद है। तो ग्लोबली रिसेशन का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दुनिया से अलग जो है चल रहा है। ठीक है, बाकी दुनिया का इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बट हिंदुस्तान के कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं जिसके चलते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा रिसेशन के बावजूद। और ना सिर्फ इतना, बल्कि 2027 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी से उम्मीद यह है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम दुनिया की बन जाएंगे। अरे वाह जी जी। जानना चाहूंगी, बिकॉज हर कई बार जैसे न्यू ईयर की शुरुआत हुई, ये कहा जा रहा था कि 2023 जो है वो रिसेशन का साल रहेगा, तो अगर ये मंदी होती है एक बड़े लेवल पर, भारत पर कितना असर पड़ेगा और कौन कौन से सेक्टर्स और इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, मंदी का असर कुछ ना कुछ तो भारत पे भी रहेगा, क्योंकि हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, दुनिया से अलग हम नहीं हो सकते। आज ऐसा वक्त है कि सारी दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मंदी अगर बढ़ती है तो हमारे IT सेक्टर पे कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि IT में हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज को, तो IT सेक्टर हमारा इम्पैक्ट हो सकता है। मंदी की वजह से जो है हमारा टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर इम्पैक्ट हो सकता है। हो सकता है विदेशों से टूरिस्ट कम आए, चाइना के कोरोना का इम्पैक्ट भी टूरिज्म को कम कर सकता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, और हॉस्पिटलिटी सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर कोरोना, भगवान न करे, हिंदुस्तान में आता है, तो यहाँ इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, रेस्टोरेंट्स, इनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, एविएशन पे भी आ सकता है। ओके, मतलब कि ये जो कोरोना फिर से उठ रहा है इन चाइना, सबसे ज्यादा जापान वगैरह, हर जगह इसका असर काफी तगड़ा हो सकता है एक बार फिर, अगर हिंदुस्तान में ये आता है ज्यादा तो असर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अपने आप को तैयार करें हम इस आर्थिक मंदी से बचाने के लिए, बिकॉज IT सेक्टर्स का तो अभी हाल बहुत डरावना चल ही रहा है, कोरोना भी हमारे सर पर खड़ा ही हुआ है, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करें? देखिए, प्रिपेयर को ये है कि लोगों के लिए जो एम्प्लॉयज हैं कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, उनको तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपने अंदर वैल्यू एडिशन करें,
ताकि अगर ग्लोबल मंदी की वजह से कुछ रिसेशन आती है, कुछ रिट्रेंचमेंट होती है, तो अगर आपका टैलेंट अच्छा है, अगर आपने अपने अंदर जो है वैल्यू एडिशन की हुई है, तो आप अपनी जॉब रिटेन कर पाएंगे। तो नॉलेज लेवल, टैलेंट लेवल बढ़ाइए। जहां तक आम हाउस होल्ड की बात है, आम हाउस होल्ड के लिए मेरा ये संदेश है, होम मेकर्स जो घर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, कि क्योंकि मंदी हिंदुस्तान में भी कुछ आ सकती है, कुछ मंदी आने की संभावना ग्लोबल मंदी की वजह से, तो कैश इन किंग मंदी में रहता है, कैश इज किंग। तो ऐसे में लिक्विडिटी अपने पास रखें, घर के जो असेंशियल खर्चे हैं वो करें, उसके अलावा कम्फर्ट्स और लग्जरीज पे खर्चे कम करें, ताकि पैसा रहे। अगर मंदी आती है तो उस समय जो कैश जिसके पास है वो उस मंदी के वक्त को अच्छे से निकाल जाएगा। तो इस समय जरूरी खर्चे जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन पे करें, बाकी जो है कम्फर्ट्स और लग्जरीज पे जो एलोकेशन है वो पोस्टपोन करें, क्योंकि आने वाला वक्त अगर दर्दनाक होगा तो अगर आपने कैश बचा के रखा होगा, कैश मतलब चाहे नकदी की शेप में हो या बैंक डिपॉजिट, कैश से मेरा मतलब लिक्विडिटी, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो, चाहे बैंक में जमा पैसा हो या नकदी हो, तो वो आपके लिए उस समय बहुत काम देगा। तो इस समय थोड़ा अपने आप को जो है समेट के चले, हाथ खींच कर रखने की जरूरत, हाथ खींच के रखें, हाथ खींच के रखें, क्योंकि आगे अनसर्टेनिटी का वक्त है, तो हाथ खींच के रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर भगवान न करे ऐसा हो, रिसेशन की स्थिति, बहुत बुरी मंदी की स्थिति आती भी है, तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मंदी से बाहर निकलते हैं? देखिए, उसमें यही होता है कि मंदी से बाहर निकलने के लिए, जहां तक कंट्री की बात है, हिंदुस्तान की जो डिमांड एंड कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं हमें बाहर निकालेगी, क्योंकि डिमांड और कंजम्पशन हमारे यहाँ रिज्यूम हो गई है। उसके अलावा जो है हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोग्राफिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहां तक मंदी से बाहर निकलने का, मंदी से तो देखिए एक साइकिल होता है, अगर मंदी है तो उसके बाद तेजी भी आती है, और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की डोमेस्टिक कंजम्पशन इसमें बहुत सपोर्ट देगी, हिंदुस्तान का आईटी एक्सपोर्ट्स इसमें काफी सपोर्ट देगा, ये दो सेक्टर्स है उसमें करेंगे। तो सबके लिए संदेश यही है, टैलेंट बढ़ाएं अपना, एबिलिटी बढ़ाएं अपना, घर के खर्चे लिमिटेड रखें, अपने हाथ में पूंजी, चाहे वो नकदी के शेप में हो घर में या बैंक डिपॉजिट के शेप में, वो रिटेन करके रखें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है अनसर्टन हो सकता है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ अच्छी लगती दिख रही है, बट भगवान ना करे चाइना का कोरोना फैलता है और भगवान ना करे वो हिंदुस्तान में आता है, तो ऐसे में अपने आप को बचाए रखना जरूरी है। तो ऐसे में कुछ मंदी यहाँ भी आ सकती है, तो उसमें हमें एक डिफेंसिव अप्रोच जो है रख के चलनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आज जो हमने टॉपिक उठाया है, अगर इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी जो कवर नहीं है और जो आप बताना चाहें? देखिए, यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया के मुकाबले तेज चल रही है, अच्छी चल रही है, दुनिया को हम आउट परफॉर्म करेंगे। जहां इंग्लैंड, जर्मनी नेगेटिव में जाने की उम्मीद है, हिंदुस्तान बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने की एक्सपेक्टेशन रख सकता है, बट हमें ये नहीं भूलना साथ ही साथ कि हम भी दुनिया का हिस्सा है। अगर चाइना का जो कोरोना है उसकी वजह से दुनिया में मंदी आती है, अगर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में मंदी आती है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे भी दिखेगा, ये बात हमें याद रखनी और जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो खर्चे जरा कम करना शुरू कर दीजिए, मंदी आए या ना आए, सेविंग आपकी होगी, फायदा भी आप ही का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने, मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।